हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 24, जिसमें हम देखेंगे आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर वॉच करें, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेसिस पे आपको ये जो वीडियो है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 24 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान देंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या निकालना हमें? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो कि ए और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हेन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल टू 3i + j - 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j - k, ये आपके पास है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यूनिट वैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिट वैक्टर कहाँ निकालना है? ए वैक्टर और बी वैक्टर पे। तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यूनिट वेक्टर का सिंबल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। यानी हमें चाहिए क्या, पहले चाहिए ए क्रॉस बी, और जब ए क्रॉस बी निकल जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आई जे के। अब आई का वैल्यू कितना है, 3, जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू -2। यहाँ पे आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3 और के का वैल्यू -1, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई लेंगे और ये आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी -1 × -1 × 1 -3 × -2। फिर जे लेंगे, यानी माइनस में होगा जे, जे लेंगे और ये आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी -1 × 3 -2 × -2। फिर प्लस के लेंगे, और के लेंगे तो क्या होगा, आपका ये रो और ये कॉलम कैंसिल, यानी 3 × 3 -2 × 1, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए क्रॉस बी के लिए, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा आई, और माइनस वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस और माइनस प्लस, 3 में 2 से कराएंगे तो 6 माइनस जे। फिर यहाँ पे आप ध्यान देंगे, माइनस वन में 3 से कराएंगे तो -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2। फिर प्लस के, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -9 × 2, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, पहले आई छोड़ देते हैं, और 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5i। फिर यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो -1, 3 में से 2 जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी +1j। फिर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7k। अब हमारे पास a क्रॉस b जो है वो आ गया। अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का वैल्यू कितना होता है, ये हमारा होता है फार्मूला अंडर रूट x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर + x3 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो a क्रॉस b निकालेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 के जगह पे कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, और x2, तो x2 के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे j जो है -1 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -3 और माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 से कराएंगे ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा हमारा,
4, और 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 1j। अब इसके बाद जो x2 है ये कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x3 जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 49, यानी कि ये कितना हो जाएगा 49 और 150 और 25 यानी 70, रूट 75 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम पहले लिख रखे हैं, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी का वैल्यू आपके पास कितना आया हुआ है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है 5 बाई माइनस 1 जे प्लस 7 के बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया है, रूट 75। तो यही हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर का आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान दे आप, परपेंडिकुलर था। तो जब भी परपेंडिकुलर दे तब क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे, तो ये हमसे छूट गया था, ये कहा जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। अब परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, व्हेन नंबर फर्स्ट जो है ए दिया हुआ 3i प्लस j माइनस 2k एंड बी जो है 2i प्लस 3j माइनस k दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यूनिट वैक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का हम फॉर्मूला लिख रखे हैं, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता चल गया। पहले ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी निकालने क्या करते हैं, आई जे के, आई के जब पे 3, जे के जब पे 1 और के जब पे माइनस 2, फिर यहाँ पे आई के जब पे 2, जे के जब पे 3 और के जब पे माइनस 1 लिख दिए। अब ए क्रॉस बी निकालने क्या करेंगे, आई लेंगे आपका रो और कॉलम कैंसिल यानी माइनस 1 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2, फिर j लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये कैंसिल यानी माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2, फिर k लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इक्वल टू i माइनस 1 में 1 से करेंगे माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस j माइनस 1 में 3 से करेंगे माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 4, फिर क्या हो जाएगा प्लस के और 3 में 3 से करेंगे तो 9 माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा 5 आई और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा यानी माइनस 1 जे और ये क्या हो जाएगा 7 के, 9 में से 2 गया 7। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर, एक्स वन के जब है 5, एक्स टू के जब है माइनस 1 और एक्स थ्री के जब है 7, तो यहाँ से निकाले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है रूट 75 आ गया। अब रूट 75 को यदि हम चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम चाहें तो एक लाइन और भी बता देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5i माइनस 1j प्लस 7k बाई 5√3, ये भी हम लिख सकते थे या यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। अब उसके बाद ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यहाँ से निकाले हुए हैं 5i माइनस 1j प्लस 7 के रख दिए, और चूंकि परपेंडिकुलर की बात की जा रही है इसलिए प्लस माइनस दोनों होगा, और ए क्रॉस बी कितना आया है मैग्नीट्यूड 5√3 या फिर √75 लिखिए और फिर नीचे लिखती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हुआ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।